हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए तो आज और एक नई रेसिपी के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। तो बनाते हैं पनीर टिक्का की रेसिपी। दोस्तों इधर नान मैंने बनाए थे, तो आप लोग बताइए आप लोगों को नान की रेसिपी चाहिए है तो प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। पहले बनाते हैं पनीर टिक्का, तो इधर इंजॉय करिए आप लोग। देखिए इस तरह से बनाइएगा और मेरी रेसिपी पूरी फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों। मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इधर मैंने ले लिया है हंकर, जो कि मैंने दही से फिल्टर कर लिया था, दही का पानी अलग कर लिया था, कपड़े में छान के बांध के थोड़ी देर रख दिया था दबा के, तो उसका मैंने दही अलग कर लिया, पानी अलग निकाल के रख दिया है। ठीक है, इधर डाल दिया है मैंने सत्तू, आप बेसन भी ले सकते हैं। थोड़ी देर भून लीजिएगा, ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा बेसन को, वो आपके काम आ जाएगा इसमें, इस रेसिपी में। तो अगर आपके पास सत्तू ना हो तो आप बेसन का यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम जो डेली जो मसाले होते हैं, रेगुलर मसाले जो हम डालते हैं, हल्दी, मिर्च, नमक, मसाला, जो भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालते हैं, वो आप सारे मसाले आप यहाँ पे डालेंगे। मैंने हल्दी डाली है, मिर्चा डाली है, नमक डाला है, धनिया पाउडर डाली है, गरम मसाला डाला है, हींग डालूंगी थोड़ी सी, और काला नमक भी डालेंगे दोस्तों। चाट मसाला आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मेरा दही थोड़ा सा हल्का खट्टा था, मतलब कहने के लिए थोड़ा दही में भी खट्टापन है, तो मैं चाट मसाला नहीं पसंद करती हूँ। ये मैंने भुना जीरा डाल दिया है थोड़ा सा, एक चम्मच के करीब। इधर देखिए जो मैंने सत्तू का आटा रखा था, वो मैंने इसमें सारा मिक्स कर लिया है, क्योंकि मसाले के साथ पनीर भी होगा, अभी सारी चीज़ें होंगी, तो उसमें क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए। आप देख लीजिएगा आपके पनीर कितना है, सब्जी कितनी, उसके अकॉर्डिंग। इधर हमने सरसों का तेल डाल दिया 2 से 3 चम्मच तक अच्छे से। ये देखिए ब्लैक सॉल्ट मैंने दिखाया आपको, काला नमक मैं बता चुकी हूँ मैंने डाला है इसमें, तो आप इस तरह से डाल दीजिएगा। ठीक है, इधर मैंने घर पे ही पनीर निकाल दिया था। ये देखिए पनीर मैंने कॉटन का कपड़ा ले लिया था, उसमें बांध कर रख दिया था पनीर। ये देखिए अच्छे से हो गया हमारा पनीर। घर पे निकालने का बहुत आसान तरीका, मैंने एक वीडियो इसके लिए भी आप लोगों के लिए शेयर की थी आप लोगों के साथ, तो मैं आप मेरे चैनल पे आके दोस्तों देख सकते हैं पनीर की किस तरह पनीर निकालना है। ये देखिए मैंने छोटे पीस, आप बड़े पीस पे जिस तरह से आपको पीसेस पसंद है उस तरह से आप कट कर सकते हैं। मैं एक चीज दोस्तों भूल गई थी, इधर मैंने पनीर में मसाला नहीं डाला था, हल्का सा इस पर हल्दी, नमक, मिर्च हल्का सा इसमें, और नमक हल्का सा डाल देना था, ताकि हमारे मसालों के साथ पनीर में भी टेस्ट अच्छा आए, लेकिन फिर भी अच्छा आएगा दोस्तों, ऐसा नहीं है, आप डाल सकते हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा था, अभी याद आया है। तो ये देखिए मैंने प्याज कट किया था, उसके स्लाइसिस अलग कर लिए थे, प्याज कट करके इसके बीच से स्लाइसिस अलग कर लिए थे, और थोड़ी सी हरी मिर्चा डाली है, अदरक डाली है, और थोड़ा सा लहसुन डाला है जो कटा रखा था ना। आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी इस स्टेज पे डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास था नहीं, मैंने पीसा नहीं, तो मैंने इसी तरह से कट करके डाला है, उसका भी टेस्ट अच्छा आता है। आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं इसमें, इस रेसिपी में आप किस टेस्ट को बढ़ाने के लिए आपको जैसे बनाना है उस तरह से बनाइए, मसालों का बस होता है, थोड़ा सा मसाले अच्छे डालिएगा, चटपटा डालिएगा, और दही का सबसे बड़ा हाथ होता है दोस्तों, जो हंकर्ड होता है ना, वो दही का जो हमने पानी अलग किया है, पानी वाला दही लेंगे ना, तो इसमें क्या होगा, पनीर में पानी छोड़ देगा जब हम इसको पकाएंगे। तो वैसे मैंने तो कढ़ाई में पकाया था, आपके पास स्क्यूअर हो तो उसमें भी लगा सकते हैं पीसेस, शिमला मिर्च, टमाटर भी डाल सकते हैं आप, टमाटर के स्लाइसेस भी लगा सकते हैं, और गैस की फ्लेम पे डायरेक्ट सेक सकते हैं, तो वो भी पनीर टिक्का का टेस्ट बहुत अच्छा देता है। बाकी मैंने कढ़ाई में बनाया था, आप इस तरह से भी बना सकते हैं, OTG हो तो उसमें भी बना सकते हैं। इसका खाने में टेस्ट दोस्तों बहुत आता है, बहुत टेस्ट बहुत अच्छा आता है, सो आप बनाइएगा, घर में बच्चों को खिलाइएगा, बड़ों को, बच्चों को तो वैसे भी पनीर बहुत पसंद होता है। अब प्लीज़ मेरी वीडियो देखिएगा, वॉच करिएगा पूरी, अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो
देखी है तो उसमें बनाई है कि नहीं बनाई, मेरे तरीके से बना के देखिएगा दोस्तों। इधर हमने कढ़ाई ले ली है और थोड़ा दो से तीन चम्मच तक हमने तेल डाल दिया, सरसों का तेल है। आप घी में, बटर में, जिसमें भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सरसों के तेल में बनाइए। आपको मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं सरसों का तेल ही ज़्यादा कर यूज़ करती हूँ सब्जियों में, बाकी मिठाई वगैरह में तो घी यूज़ कर लेती हूँ लेकिन सरसों का तेल सब्जियों में यूज़ करती हूँ। पूड़ी भी मेरे यहाँ सरसों के तेल की ही दोस्तों खाई जाती है। इस तेल की बात ही और होती है, रिफाइंड ऑयल थोड़ा हेल्थ के लिए भी नुकसान करता है। सो आप भी खाइए, बच्चों को भी यही खिलाइए ज़्यादा कर। इधर देखिए तेल में मैंने लहसुन अदरक और जो भी मैंने चॉप करके रखे थे ना प्याज के तरह से छोटा छोटा प्याज चॉप किया था वो सब मैंने, हरी मिर्च सब डाल दिए हैं। उसके बाद इधर मैंने लाल एक मिर्च लेके छोटी छोटी टुकड़ों में आप डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं मिर्च को। हरी मिर्च डालेंगे तो उसका भी टेस्ट अच्छा आता है, मैंने एक टेस्ट के लिए डाल दी थी, थोड़ा कलर भी अच्छा आता है। इधर इसमें जो हमने पनीर का मसाला जो पूरा जो इसमें मिला के रखा था सब इसी पूरा इसी में डाल देंगे कढ़ाई में ही, और इसको बस ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, बस हल्का सा करीब 2 से 3 सेकंड तक कढ़ाई में पकाना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है क्योंकि दही ज़्यादा फ्लेम गैस की तेज करने से पकने से फटने का वो होता है ना, इसलिए हल्का सा बस थोड़ा सा मसाले बस मिल जाए। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों प्लीज़ बताइएगा, शेयर कीजिएगा और थैंक यू दोस्तों इसको देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों, वीडियो मेरी फुल वॉच कीजिएगा। ओके देन दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।